हम पहुंच गए पाटन, और पाटन जो है यहाँ पे नेवारी जो कम्युनिटी है नज़र आ रहा है। सो ये भी जो है ये है यूनेस्को हेरिटेज में आता है। जितनी चीज़ें हैं ना, ये सब की सब नेवारी वास्तुकला से जुड़ी हुई है, और सिर्फ एक पत्थर से बनाया हुआ मंदिर है। सिर्फ एक ही पत्थर से ये मंदिर बनाया गया। लेवल का नजारा है। ओए होए होए होए, रुक के दिखाता हूँ। ऐसे कैसे तैसे करते हुए पहुंच गए नगरकोट का जो सबसे टॉप पे पॉइंट है, यहाँ पे टावर बोला जाता है। बहुत सारे व्यू पॉइंट देखा हुआ है आपने ना। माता तो जी, यहाँ पे तीन दरबार है। एक है काठमांडू दरबार, दूसरा है पाटन दरबार, और तीसरा है भक्तपुर दरबार। सो उसमें से मैंने पहला दिखा दिया आपको, पाटन दरबार। अभी भक्तपुर चल रहे हैं, भक्तपुर दिखाएंगे, उसके बाद काठमांडू दरबार दिखाएंगे, उसके बाद जाएंगे शाम को आरती देखने पशुपतिनाथ जी का। चलिए सीधे नीचे उतरते हैं, फिर आपको सीधे मिलते हैं आपसे भक्तपुर दरबार स्क्वायर। गाइज यहाँ पे है वेलकम टू भक्तपुर। डियर गेस्ट, यू हैव टू पे द फॉलोइंग एंट्रेंस फी टू विजिट द कोर एरिया ऑफ दिस कल्चर। सो जी, अभी 500 रुपीज़ NC में हमारा टिकट लगा, और हम एंटर करने जा रहे हैं भक्तपुर। पहले करेंगे पार्किंग बाइक की अपनी, उसके बाद चलेंगे अंदर। ये है लेक एक। काफी खूबसूरत मंदिर है। भक्तपुर का मार्केट। ओके ओके, वी रीच्ड। पहले तो अंदर तक बाइक जाती थी, अभी बाहर ही पार्क करना पड़ रहा है। भक्तपुर दरबार स्क्वायर, जिसको कि हिंदी में भक्तपुर दरबार क्षेत्र के नाम से बुलाया जाता है। इसको स्थानीय भाषा में ख्वापा लाइकू के नाम से जाना जाता है। पुराने भक्तपुर साम्राज्य का शाही महल है, जो समुद्र तल से 1400 मीटर ऊपर है। ये यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है। भक्तपुर दरबार क्षेत्र भक्तपुर के शहर ख्वापा में स्थित है, जो काठमांडू से 13 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसके परिसर में 4 अलग अलग क्षेत्र शामिल है। पूरे क्षेत्र को अनौपचारिक रूप से भक्तपुर दरबार क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, और ये काठमांडू घाटी का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण क्षेत्र भी है। भक्तपुर दरबार स्क्वायर में मूल रूप से 55 खिड़की वाला एक महल है, जिसका निर्माण राजा जितमित्र मल्ल द्वारा किया गया था, और ये 1769 तक कई राजवंशों के अधिकार में था। वर्तमान में ही इसे एक राष्ट्रीय गैलरी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। सो राइड कंप्लीट करके हम पहुंच चुके हैं भक्तपुर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर, और यहाँ फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, सब बंद करते हैं। सो यहाँ पे मल्ल राजा जो है वो लोग नहाते थे। क्या खूबसूरत पौंड है यार, भाई साहब क्या खूबसूरत पौंड, गजब। राजा ऐसे ही थोड़े थे भाई, राजा ऐसे ही थोड़े थे, राजा सही में राजा ही थे। सो गाइज कुछ चीज़ें बता दूँ, अंदर में गए थे हम, मंदिर है ये भक्तपुर दरबार स्क्वायर में मंदिर है, वो है मंदिर माँ दुर्गा का। कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन मंदिर बहुत खूबसूरत है, नो डाउट। लेकिन हम दर्शन नहीं कर पाए, कारण सिर्फ एक है कि यहाँ पे सिर्फ 2 दिन के लिए, साल में सिर्फ 2 दिन के लिए खोला जाता है उनका पट, और वो दिन है जब दशहरा होता है। तो दशहरे में जो नौमी का दिन होता है और सप्तमी का दिन, सिर्फ उन्हीं 2 दिनों में ये पट खुलता है। तो वो 2 दिन आई है, भीड़ तो ज़बरदस्त होती है, 8-10 घंटे कहीं नहीं गए हैं, और यहाँ पे बलि भी चढ़ाई जाती है। सो कुछ ये हिस्ट्री है जो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। अगर आप भी आना चाहते हो दशहरे के टाइम पे, तो सप्तमी और नौमी को आना, लंबी कतार में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, देखो। और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी है, ठीक है, तो आप बैठ करके मज़े ले सकते हो फूड का, विथ ये वाले
लोकेशन के साथ, मतलब ये व्यू के साथ। ठीक है, तो चलिए फटाफट ये काम तो हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से। और अभी जाना है हमें काठमांडू दरबार स्क्वायर। अभी तक हमने किया पाटन, उसके बाद हम गए थे नगरकोट, उसके बाद अभी आए हैं भक्तपुर और स्क्वायर, अब जा रहे हैं काठमांडू। क्या था काठमांडू दरबार स्क्वायर, इधर का दरबार स्क्वायर। ये तो हो गया, ये तो हो गया। नहीं, थैंक यू, चलिए चलते हैं। भक्तपुर दरबार स्क्वायर शानदार वास्तुकला का उदाहरण है और कई देशों में नेवारी कलाकारों और शिल्पकारों के कौशल को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित भी करता है। दोस्तों, हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको 2015 का विनाशकारी भूकंप ही सिर्फ याद होगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 2015 में ही नेपाल बर्बाद सिर्फ नहीं हुआ, 1934 में भी नेपाल को भूकंप ने बहुत क्षतिग्रस्त किया था। ये देखो नेपाली कल्चर, हम पहुंचे हुए थे काठमांडू दरबार स्क्वायर और यहाँ पे पार्किंग ढूंढ रहे। तो पार्किंग तो भैया बहुत ही सड़क पे ही हो रही है, बड़ा कंजस्टेड तरीके से है यार। देखो शाम होते ही क्या माहौल हो गया है इस मार्केट का, फुल सीपी वाला आ रहा है, कनॉट प्लेस दिल्ली वाला फुल। पता चला है जंगल बात चली है, पता चला है कि बेसमेंट में पार्किंग हमें शायद से मिलेगी, क्योंकि यहाँ पार्क करना हमारे बाइक के लिए बहुत मुश्किल है। अगर आप भी आते हो काठमांडू दरबार स्क्वायर तो यहाँ देख लो, बेसमेंट में पार्किंग है। ऑलराइट गाइस, हम पहुँच गए हैं काठमांडू दरबार स्क्वायर, और लास्ट टाइम भी मैं यहाँ आया था, मुझे याद नहीं था, मुझे लगा था कि मैं लास्ट टाइम नहीं घूम पाया था, लेकिन अभी बिल्डिंग्स देखने के बाद मुझे सारी चीज़ें याद आने लगी कि मैं इस जगह पर भी आके घूम के गया हुआ हूँ। चलो दिखा देता हूँ, जो लोग लास्ट ईयर जब आए थे, जो देखे होंगे उनको तो पता चल ही जाएगा, लेकिन जो लोग अभी जुड़े हैं ब्लॉग के साथ, चैनल के साथ, तो दिखा देता हूँ कि लास्ट ईयर भी ये मैं घूम के गया था। उस समय रेनोवेशन चल रहा था, अभी काफ़ी अच्छा खासा दिखना शुरू हो गया है, बिल्कुल लग रहा है व्हाइट हाउस। इधर लेफ्ट साइड में देखो मार्केट लगा हुआ पूरा, अगर मार्केट दिखाते हैं आपको, आ जाओ। सो गाइज, ये जो मार्केट आपको दिखाया मैंने, मुझे लगा था कि कुछ होगा, कोई डे होगा जिस दिन ये मार्केट लगता होगा, लेकिन नहीं, सातों दिन मार्केट ये लगता है। सो दिखाया, अगर आप भी आ रहे हो, कुछ खरीदना चाहते हो, बाइकार आ रहे हो, भैया सामान लेके जाना है तो खरीद लो, लेके चले जाओ, क्योंकि हमारे पास बाइक पे ही जगह नहीं है, हम कुछ खरीद ही नहीं सकते हैं। सो हमने सोचा कि आपको ब्लॉग के थ्रू, वीडियो के थ्रू बता दिया जाए, सो बता दिया।
और ये देखो क्या है, पीछे देखो क्या है, व्हाइट हाउस पहुंच गया हम, व्हाइट हाउस। लास्ट टाइम जब आया था ना तो रेनोवेट हो रहा था, साला लड़खड़ाने लगी जबान भी। आ जाओ पीछे चलते हैं। तो दोस्तों ये जो मूर्ति दिख रही है ना, ये है सेतु भैरव जी की मूर्ति, और काफ़ी खूबसूरत है भाई, काफ़ी खूबसूरत है, देख रहे हो। तो गाइस आज से 1.5 साल पहले भी आया था, तो इस मंदिर का रेनोवेशन चल ही रहा था और आज भी चल ही रहा है। चलिए देखते हैं कि है तो हनुमान जी का मंदिर, जो कि मुझे बाहर से दिख रहा है हनुमान चालीसा भी लिखा हुआ है, और प्यारे से हमारे हनुमान जी भी यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। आइए खुद भी आशीर्वाद लेते हैं और आपको भी अपने ब्लॉग के माध्यम से आशीर्वाद दिलवाते हैं। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या खूबसूरत से है भाई, ये देखो, ये है काठमांडू दरबार स्क्वायर का मेन बिल्डिंग जो है बंद हो चुका है, बट हमने सर से रिक्वेस्ट किया सर थोड़ा सा देखने दीजिए, क्योंकि हमें कल निकलना है, थोड़ा देखने दीजिए, तो हम लोग जाओ यहाँ से थोड़ा सा जाके देख लो। तो कुछ इस तरीके से दिखता है ये दरबार स्क्वायर, काठमांडू दरबार स्क्वायर, इट्स ब्यूटीफुल यार। लास्ट टाइम रिनोवेशन चल रहा था, नहीं जा पाया, इस बार लेट हो गया इसलिए नहीं जा पाया, बट कोई ना। I am the god, there is no god, god is high universe. They try to kill us innocent people, you wanted to pray god, god is said no, he is not god, I am the god, pray me, if you pray I will give you life, if you don't I will kill you. And everybody worry how to save by him, they pray god please help by this thing. So god needs to come, not full of human, half lion, half human, not by the weapon. By the nails, not in the earth, not in the sky, his feet. It is a beautiful story. किनकी मूर्ति है ये? ये काल भैरव है। काल भैरव? शिवजी का अवतार। शिवजी का अवतार है। तो गाइस सर बता रहे हैं कि ये काल भैरव है, शिवजी के अवतार है, तो उनकी ये प्रतिमा है। एंटर कर रहे थे जब दरबार घूमना हमने शुरू किया था, तो पहले गए थे पाटन दरबार स्क्वायर, तो वहाँ पे चार्ज हमें फ़ी देना पड़ा 250 रुपीज़ NC में। उसके बाद हम गए थे कहाँ पे बाबा, भक्तपुर दरबार स्क्वायर गए उसके बाद, तो वहाँ पे हमें चार्ज किया गया 500 NC में। और जब आप काठमांडू दरबार स्क्वायर आओगे तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है। लास्ट टाइम भी जब मैं आया था तो उसमें भी कोई चार्जेस नहीं लग रहे थे, और अभी भी कोई चार्जेस नहीं है। तो है चार्ज 150 रुपये नेपाली, इंडियन सार्क के लिए 500 रुपये नेपाली, अदर कंट्रीज के लिए 50 रुपये स्टूडेंट डिस्काउंट। ओके, लेकिन हमें तो रोका ही नहीं किसी ने, और हम अंदर गए नहीं ना। किधर अंदर? अंदर का ना। अच्छा अंदर का, ओके, अंदर का चार्ज। अच्छा अंदर का चार्ज है, ओह सॉरी, अंदर जाइएगा तो चार्ज लगेगा, अंदर जा नहीं पाएगा क्योंकि बंद हो चुका था, तो बस यही है। सॉरी, 1000 रुपये देख लो एक बार। 1000 रुपये है? ओ माई गॉड, ये देखो ये है प्राइस, एक बार देख लो। हनुमान धोखा दरबार स्क्वायर। सो हम अंदर जा नहीं पाए क्योंकि बंद हो चुका है, टाइमिंग जो था 5 बजे तक का ही था, इसलिए कोई नहीं, मैं सर से रिक्वेस्ट करके गया, थोड़ा सा आपको दिखाया जो मैंने, वो आपने देखा, अंदर जाने नहीं दिया उन्होंने, बट मैं मतलब बहुत रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने थोड़ा सा मेरे को दिया चांस कि जाओ वहाँ से देख के आ जाओ, तो मैं जाकर फटाक से देख करके और शॉट लेके आ गया, उसके बाद से गेट बंद कर दिया गया। चलिए अभी चल रहे हैं मार्केट एरिया में, एक्सप्लोर करते हैं जिसको कहते हैं आसन मार्केट। तो चलिए चलते हैं, भाई को कुछ ख़रीदारी करनी है फैमिली के लिए, तो ख़रीदेंगे भाई साहब, उसके बाद हम वापस चले जाएँगे दर्शन करने पशुपतिनाथ जी का, ठीक है? तो चलिए चलते हैं। तो इस तरीके से है कुछ ये मार्केट, लोकल लोगों के लिए है, लोकल शॉपिंग के लिए मार्केट है पूरा, और यहाँ पे मिलेगा जूस कह रहे हैं, लस्सी। लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ लस्सी पिया था, अभी पीऊँगा। सो आ जाते हैं रवीश बाबू, तो पूछते हैं उनसे। ये क्या होगा,
मेरा पूरा मार्केट ही है। ये है क्या? अच्छा ज्वेलरी है। चल भाई बाहर ही चल, इधर कुछ है नहीं। ये देखो भैया चौराहे पे क्या मस्त स्क्रीन लगा करके ऐड चल रहा है, ऊर्जा चाय, ऊर्जा राइस, दाल। वाह वाह, खाइए खाइए भाई, पौष्टिक आहार मिलता है, स्वस्थ जीवन को आधार, समझे? ऊर्जा खाइए, ऊर्जा भरिए, फिर ऊर्जा निकालिए। हाँ जी मित्रों, तो हम आए हुए थे पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए, लेकिन बंद हो चुका है अभी जो है, दरवाज़ा बंद हो चुका है। आफ्टर आरती, शाम की आरती के बाद बंद कर दिया जाता है दरवाजे को, मतलब कि उसके बाद एंट्री नहीं है। और सुबह 5:30 में मंदिर ओपन हो जाता है। तो अभी मैंने भैया से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि 5:30 में ओपन होता है, उस समय आप आ सकते हो, लेकिन सही टाइम जो है आने का 9:30 में आओ, उस समय शायद से चारों दरवाजे खुल जाते हैं। तो आपके पास अगर टाइम हो, अब हमारा क्या है कि हमें कल निकलना है, देखते हैं जैसे प्लानिंग होगी। अगर हम सुबह सुबह निकल गए तो फिर तो दर्शन नहीं हो पाएगा, तो बाहर से ही कहते हैं हर हर महादेव। और लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने दर्शन कर लिया, सिर्फ 5 मिनट हम लेट हो चुके हैं। चलिए अभी चल रहा है आरती, चल रहा है रिवर साइड में, वो चलते हैं, वो दिखाते हैं। ये जो अग्नि दिख रही है जलती हुई, यहाँ चिता जल रही है। और यहाँ की सबसे यूनिक चीज ये है कि रिवर के इस साइड चिता जलती है, डेड बॉडीज जलती हैं, और दूसरे साइड आरती होती है। देखो ये दिख रहा है, ये बॉडी जलाई जा रही है। तो एक यूनिक यूनिक एक्सपीरियंस है भाई साहब। नेपाल आते हो, काठमांडू आते हो, पशुपतिनाथ जी का दर्शन करना ही है, रिवर साइड का आरती भी देखना बिल्कुल मिस मत करना। दोस्तों ऐसे कैसे तैसे करते हुए हमने काठमांडू एक्सप्लोर कर लिया, आपको दिखा दिया। इस सीरीज को मतलब काठमांडू वाला जो एक्सप्लोर मैंने किया उसको 3 पार्ट में बांटा है। फर्स्ट पार्ट में मैं आप सबको लेकर के गया था बूढ़ा नीलकंठ जी को दिखाया, दर्शन करवाया, उसके बाद वहां से निकल के हम गए थे स्वयंभू टेम्पल। बारिश के चक्कर में फंसते फंसाते पहुंचे थे स्वयंभू टेम्पल, उसके बाद डिनर करने के बाद हम निकले थे थमिल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन भाई साहब थमिल मार्केट बिल्कुल लुल पड़ा हुआ था, तो वो फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद मैं सेकंड पार्ट में दूसरे दिन मैं सुबह सुबह निकला बारिश के चक्कर में, फर्स्ट डे बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर नहीं कर पाया था, तो सेकंड डे मैं निकला। और उस दिन मैंने एक्सप्लोर किया, पहले मैं गया पाटन दरबार स्क्वायर, जो कि लास्ट टाइम मैं नहीं दिखा पाया था, मैं भी नहीं देखा था और आप लोगों को भी मैंने नहीं दिखाई थी। तो वो सारी चीजें एक्सप्लोर करके फिर उसके बाद निकले हम नगरकोट, जो कि काठमांडू पीपल मतलब लगभग नेपाल वाले जितने भी लोग हैं जो काठमांडू आते हैं वो लोग पिकनिक स्पॉट बोल सकते हैं, उनके लिए नगरकोट है। तो वो एक्सप्लोर किया और हमने सुना था कि नगरकोट से माउंट एवरेस्ट की पीक दिखती है, तो वो सारी चीजें हम गए थे। तो सेकंड वाला पार्ट देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें। उसके बाद थर्ड पार्ट जो कि ये देखा आपने व्लॉग, इसमें मैंने आपको दिखाया भक्तपुर दरबार स्क्वायर, उसके बाद हम गए थे काठमांडू दरबार स्क्वायर। तो बस ये थर्ड पार्ट था। तो मैं बोलूंगा कि तीनों देखोगे पार्ट ना तो आप प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो वीडियो के थ्रू काठमांडू को। सो बस ये ब्लॉग में यही था, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, एंड प्लीज सेव गोल चाइल्ड प्लीज।